जी हाँ, नमस्कार सभी भाइयों को। तो आज हाजिर है मारुति सुजुकी टॉप न्यू इको 2022 मॉडल, जो कि अभी मुहूर्त हुआ है गाड़ी का। कंपनी से निकालने के बाद कल शाम को गाड़ी निकली है कंपनी से, जिसमें LPG गैस किट लगवाई है। तो क्या दोस्तों, आप देख सकते हो इको में क्या कुछ चेंज कर दिया कंपनी। स्टार्टिंग से अब तक ये इसकी लाइटिंग, फॉग लाइटिंग, इन बार भी कुछ फ़र्क किया कंपनी ने। जो बोनेट का आगे की लुकिंग थी वो इको की सेम रखी, क्योंकि यही गाड़ी की डिमांड थी, क्योंकि कंपनी बरकरार रख रही है इको के अंदर। रिबन वगैरह काफ़ी लगा के देती है कंपनी। दोस्तों ये साइड लुकिंग है 2022 मॉडल इको में, तो काफ़ी बढ़िया लुकिंग में आ रही है। सिंगल वाइट कलर में देखी जाए तो काफ़ी डिमांड हो रही है इको की वाइट कलर के अंदर। ये बैक लुक गाड़ी का, जो कि 3 नंबर लगे हुए हैं, अभी नंबर आने बाकी हैं गाड़ी के। ये अपनी शॉप है सुभाष सोनी गंगानगर वाले, सोनी ऑटो गैस। तो दोस्तों आज मारुति सुपर इको 2022 टॉप मॉडल है, जो इसमें आपको दिखाते हैं। इसमें जो टैंक लगा है जो वो 75 लीटर का लगा है, ACPL कंपनी का। ये 75 लीटर का टैंक होता है, जिसमें ऐसे ही हॉलमार्क और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरिंग डेट लिखी होती है। इसमें लिखा है 80% रिफिलिंग। अगर आप इसको इसकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर ज़्यादा भरते हो तो इसमें ये फ्लूट लगा होता है जो सेंसर का काम करते हैं, जो पूरा रेड आने पर ये फुल हो जाएगा, उसके बाद में 80% से ऊपर ये लेगा नहीं। ये यूनिटेक्स कंपनी का 622, जो कि यूनिटेक्स काफ़ी कुछ सामान बनाती है। ये कोयल है जो 12 वोल्ट के, जो आगे से पीछे चाबी ऑन होते ही करंट रिप्लेस करती है। ये बढ़िया पाइप लगा हुआ NG की लगी है इसमें। ये इसमें वॉल होता है ऑन ऑफ करने का, अगर बाई चांस कभी भी कोई लीकेज हो या कोई पाइप फट जाए तो ये बटन होता है जिसको ऑन ऑफ किया जाता है। कवरिंग के साथ कवर किया गया पाइप को। ये फिलिंग पाइप है जो पूरी बाहर निकली जाती है ताकि कोई स्मेल गाड़ी के अंदर ना रहे। ये टैप लगा हुआ है, टैप को उतार के आप आसानी से इसमें गैस डलवा सकते हो, पंप से भी और घरेलू सिलेंडर से भी। दोस्तों इस हिसाब से पैकिंग है। इस पर एडेड बॉक्स का ये ढक्कन अभी बाकी है। ये ढक्कन लगने के बाद ये पूरा कवर हो जाएगा टैंक, जो कि स्कूल में चलेगी। इसके ऊपर भाई साहब बोल रहे हैं कि हम पट्टा लगवाएंगे, ये ओनर है इस गाड़ी के। दो सरगढ़ से आई हुई है गाड़ी। दोस्तों अब इसको आपको वेपोराइजर दिखाते हैं। दोस्तों ये इसमें वेपोराइजर लगा है, जिसमें वैक्यूम की पाइप अभी बाकी है, कुछ काम बाकी है इसका। इसको बढ़िया से इसकी वायरिंग को बढ़िया, नीचे भी क्लैंपिंग की गई है, ऊपर भी क्लैंपिंग की गई है। जहाँ तक देखो तो ये कूलेंट की पाइप को भी क्लैंपिंग की गई है, बढ़िया क्लैंप लगा के पीछे से अटैच पट्टी की गई है। ऊपर से अटैच में 17 नंबर नट दिया गया, जिससे सिक्योरिटी और पट्टी टाइट बनी रहे। ये कोल सिस्टम है वेपोराइजर में भी। ये इसका फिल्टर है जो आगे इंजन में कचरा जाने से रोकता है। ये इसके आगे मैप सेंसर। तो हम दोस्तों अब आपको लगते हैं कि इको गाड़ी मतलब कितने किलोमीटर चली हुई है। दोस्तों ये तब भी ऑन करते हैं तो ये 72 किलोमीटर चली हुई है 100। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि 100 किलोमीटर चली हुई गाड़ी के लिए बेस्ट गैस किट कौन सी है। तो अभी जो आपको NG राघव दिखाइए बेस्ट किटों में से एक है, क्योंकि आप देख लो 72 किलोमीटर चली है। क्योंकि तो इसमें भी इंजन के हिसाब से गाड़ी में गैस किट लगाई जाती है। अगर आपकी गाड़ी कम किलोमीटर चली हुई है तो बढ़िया गैस किट लगवाने से ही गाड़ी का इंजन और लाइफ आगे तक बनी रहेगी। ये रेल लगी है इसमें, 4 इंजेक्टर गाड़ी है जो कि राघव NG की रेल है, जिसमें बढ़िया क्लैंपिंग की गई है चारों तरफ। ये ऊपर भी क्लैंपिंग है और नीचे भी क्लैंपिंग है, बढ़िया पत्ती से अटैच करके ये 4 पार्किंग दी गई है इसकी। ये पूरी वायरिंग को क्लैंपिंग किया गया है, हर जगह बांधा गया। इसका ACM सिस्टम है जो यहाँ दिया गया है, इसको भी प्लास्टिक की रैपर की थैली में डाला गया है जिससे पानी ना लगे इसमें। दोस्तों
ये ओनर है इस गाड़ी का, छत्तरगढ़ से। तो दोस्तों लगभग इको की फिटिंग पूरी हो चुकी है, अब गाड़ी गैस दिलवाने जाएगी। ये सुभाष जी सोनी गंगानगर वाले, ये और ये है ना जिसका छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम चल रहा है, एक ये ओमनी वैन जिसकी रिफिटिंग मेरे ख्याल से सर्विस हुई है कपूर अजीर की, ये यूनिटेक्स कंपनी का कुछ हिसाब से लगाया हुआ है। सेकेंड की गाड़ी है ओमनी वैन में,